हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेबी को अभी रीडिंग करवाया था, और रीडिंग करवाने के बाद अब मैं जो है उसका डिक्टेशन ले रही हूँ। तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है। जब बेबी एक बार उसको देख लेगा तो मैं उसकी डिक्टेशन लूँगी। अगर हिंदी की रीडिंग करवानी है आपको, तो सबसे पहले बच्चों को मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। सारी मात्राओं के साउंड्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी बच्चा जो है अच्छे से रीडिंग कर पाता है। यहाँ पे मैंने इसे सभी मात्राओं को बहुत अच्छे से करवा रखा है, इसे सारी मात्राओं की नॉलेज है। तो अब मैं जो है इसकी डिक्टेशन ले लूँगी। मैं अंडरलाइन कर रही थी। मैं हमेशा रीडिंग करवाने के बाद डिक्टेशन ज़रूर लेती हूँ बेबीज़ के, और डिक्टेशन लेने के बाद फिर कोई सिली मिस्टेक होती है तो मैं उसकी करेक्शन वर्क भी ज़रूर करवाती हूँ, ताकि बेबी जो है दोबारा ना कर पाए ये गलती। तो चलिए वीडियो को लेकर चलती हूँ मैं आगे। अब यहाँ पे मैंने एक बेबी को EVS के क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, उसका टेस्ट था कल, तो वही टेस्ट जो है मैंने बनाया था। पहले मैंने उसे लर्न करने के लिए दे दिया था, और जब उसने लर्न कर लिया था तो मैंने उसे अच्छे से सुना था, उसके बाद मैंने ये टेस्ट तैयार किया था। तो आप भी इसी तरीके से एक टेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे उस बच्चे ने टेस्ट जो है कंप्लीट कर दिया था EVS का, और उसके सारे आंसर्स जो थे वो सही थे। तो देखिए, अब मैं नर्सरी क्लास को ड्रॉ एंड शेप्स करा रही हूँ। वेरी गुड। और अब जल्दी से शेप बताओ एक बार फिर से। विशेप, ट्रायंगल, विशेप, विशेप, स्क्वायर, विशेप, 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 रेक्टेंगल, विशेप, और नंबर बताते हैं। अब नंबर बताओ, ये कौन सा नंबर है? फोर। वेल डन। ये फाइव। टू। टू। कौन सा नंबर है ये? टू। ये कौन सा नंबर है? टू। फाइव। फाइव। ये कौन सा नंबर है? फाइव। ये कौन सा नंबर है? थ्री। कौन सा नंबर है ये? थ्री। बब्या को नंबर नहीं आते, अभी सिखाना पड़ेगा, है ना? ड्रॉ एंड शेप्स में आप नंबर्स गिवन करेंगे, और उसके बाद जो बच्चा जो है, सपोज़ आपने ट्राइंगल में टू नंबर गिवन किए हैं, तो बच्चा टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करेगा। इससे जो है बच्चे का माइंड जो है डेवलप्ड होगा। और अब चलते हैं दूसरे जो छोटे किड्स हैं उनकी तरफ। उन्हें मैं क्यू का क्वीन करवा रही हूँ आज, स्मॉल वाला। मैं ऑलरेडी बड़े करा चुकी हूँ। हाय गाइस, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक UKG की बच्ची है, उसको मैं फलों के नाम करवा रही हूँ। पहले जब ये आई थी तो ये बहुत ज़्यादा वीक थी, इसे कुछ भी नहीं आता था। अब धीरे धीरे जो है इसे मात्राएं समझ में आने लग गई है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये गड़बड़ करती है। तो यहाँ पे मैंने इसे फलों के नाम दिए थे और इसने किए, बट इसके सिर्फ टू ही सही हुए। तो मैं वापस इसको समझा रही हूँ कि कहाँ पे आपने क्या गलती की है, और अब मैं इसे लिख के दे रही हूँ और करेक्शन वर्क करवाऊँगी, और मैं वापस से इसको दोबारा लिखवाऊँगी जब तक कि ये सही से ना। फलों के नाम दो तीन बार लिखवाने से उसको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे सारे बेबीज आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मैं एक बच्चे का सबट्रैक्ट का सम्स जो है चेक कर रही थी, मैंने उसे करने के लिए दिया था और उसे समझ में आ चुके हैं। यहाँ पे उसके सारे जो हैं सबट्रैक्ट के सम्स सही थे। नर्सरी के मेरे पास तीन या चार बच्चे हैं, और उनको मुझे अलग अलग करवाना पड़ता है, क्योंकि वो कोई जो है पहले आया था, कोई बाद में आया है। तो एक बच्चे को आपने देखा था कि मैंने ड्रॉ एंड शेप्स करवाए थे, और दूसरे बेबी को मैंने क्यू का क्वीन करवाया था, और इस बेबी का क्यू का क्वीन रिकॉग्नाइज हो चुका है। तो मैंने इसे A to Q लिखने के लिए दिया था, और आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से और बहुत नीटली काम किया था। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।